मिथ्या विज्ञापन यानी स्टंट एडवर्टाइजिंग। हम लोग आज समझेंगे कि स्टंट एडवर्टाइजिंग यानी मिथ्या विज्ञापन क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे भी साथियों, हम लोग बात कर रहे थे अपने वीडियोस में सेलिंग और एडवर्टाइजिंग की, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट को यानी सेलिंग को पूरा समझ लिया हुआ है और हम लोग समझ रहे हैं एडवर्टाइजिंग को। यह वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इस कैटेगरी के सारे वीडियो, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे सारे के सारे वीडियोस यानी सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के सारे वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपके पास फिर भी कोई प्रश्न होता है तो हमें ज़रूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग जब बात करेंगे आज कि मिथ्या विज्ञापन यानी स्टंट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, तो यह हमारा जो भी एडवर्टाइजिंग है उसका चौथा वीडियो होगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि मिथ्या विज्ञापन यानी स्टंट एडवर्टाइजिंग क्या होता है। यह बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने सुना होगा भौकाल बनाना। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपना भौकाल बनाना चाहता है तो क्या करता है, कुछ ऐसी बातें बताता है जो अनप्रिडिक्टेबल हो, यानी जिसके बारे में सोचना थोड़ा सा संभव ना लगे, लेकिन वह व्यक्ति वैसी बातें बता देता है, उसका भौकाल बन जाता है। लोग कहते हैं वाह, उसके बारे में लोग सोचने लगते हैं, कई जगह पे उसके बारे में वार्तालाप होता है, लोग विचार विमर्श करने लगते हैं। तो इसी तरीके से स्टंट एडवर्टाइजिंग भी होता है। आप लोग देखेंगे तो हम अब समझते हैं, कहा गया है कि मिथ्या विज्ञापन से आशय से तात्पर्य कंपनियों के द्वारा उनके क्रय को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, क्रय को बढ़ाने के लिए यानी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, बढ़ाने के उद्देश्य से उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में तमाम तरह की झूठी एवं गलत सूचनाओं को ग्राहक तक पहुंचाने से है, ठीक है ना। जब कभी भी आप लोग मिथ्या विज्ञापन की बात करेंगे तो इसमें ध्यान देंगे कि अगर कोई भी कंपनी है जो कोई भी प्रोडक्ट उत्पादित कर रही है, जिस प्रोडक्ट को वह मार्केट में ला रही है, तो जब वह उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेगी तो यह ध्यान रखेगी कि मैं क्या करूं, जो भी बातें उससे जुड़ी हुई नहीं हैं उन बातों को भी मैं मिर्च मसाला लगा करके ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करूं, जिससे क्या हो, जो ग्राहक हो वो हमारी तरफ आए, ठीक है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो झूठी हो सकती हैं और गलत हो सकती हैं, वे सारी की सारी सूचनाएँ गलत हो सकते हैं। आप लोगों ने पहले समझा होगा कि जो विज्ञापन है यानी जो एडवर्टाइजिंग है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी कंपनी के द्वारा, वह जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी पब्लिक है, उनके पास पहुंचाया जाता है, ठीक है। आगे कहा गया है कि जब कोई कंपनी मिथ्या विज्ञापन करती है, यानी अगर कोई भी कंपनी स्टंट एडवर्टाइजिंग कर रही है, तो वह उत्पादित वस्तुएँ एवं सेवाओं के संदर्भ में झूठी बातों का प्रचार करती है। किसका प्रचार करती है, झूठी बातों का। झूठी बातों का प्रचार करने का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए मेरे पास कोई भी शैम्पू है, ठीक है ना, मैं उससे कहता हूँ कि इस शैम्पू से सारे के सारे जो भी बाल में जो भी तमाम तरह की जो भी गंदगी होती है, जो भी मैल जाता है, धूल जाता है, वह निकल जाएगा, बाल काला हो जाएगा, बाल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप हीरो की तरह देखने लगेंगे। तो ये क्या है, एक स्टंट एडवर्टाइजिंग है। आप लोगों ने एक क्रीम का प्रचार देखा होगा, फेयर लवली का, 7 दिन में गोरा हो जाना, तो वह क्या है, एक तरीके से स्टंट एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, जब कोई कंपनी मिथ्या विज्ञापन करती है तो वह उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के संदर्भ में झूठी बातों का प्रचार करती है, जिसका उस वस्तु की गुणवत्ता, रंग, वजन आदि से कोई संबंध नहीं होता है, और जहाँ पर जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता से उसके कोई उसका कोई विशेष संबंध नहीं होता है, और गलत सूचनाएँ दी जाती हैं, ठीक है ना। और वो ऐसी सूचनाएँ होती हैं जिससे जो ग्राहक होता है वो क्या हो, आकर्षित हो जाए, झांसे में आ जाए, ठीक है। ऐसा कंपनियों के द्वारा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। और अगर कोई भी कंपनी स्टंट एडवर्टाइजिंग करती है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक ग्राहक हमारी ओर आए, और जब ग्राहक कंपनी की तरफ आएंगे, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, तो मान लीजिए अगर 100 ग्राहक सोच रहे हैं तो निश्चय ही उसमें से 10 ग्राहक तो उसके प्रोडक्ट को खरीद ही लेंगे ना। तो इस तरीके से कंपनियों का फायदा हो जाता है। आगे हम लोग जब एग्जाम्पल समझेंगे तो कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋतिक रोशन का माउंटेन ड्यू वाला एड जिसमें बुर्ज खलीफा से बाइक उतारा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऋतिक रोशन का एड देखिएगा, वह उस एड में क्या करते हैं कि बाइक होती है, उस बाइक को बुर्ज खलीफा से उतारते हैं और वो उसको उतारने से पहले माउंटेन ड्यू पीते हैं और अंत में जाकर कहते हैं डर के आगे जीत है। तो यह क्या है, यह एक ऐसा ऐड है जो क्या है, मिथ्या दिखा रहा है, यानी स्टंट इसमें हो रहा है। इस तरीके से आप लोग समझेंगे कि एग्जांपल ये है किसका, स्टंट एडवर्टाइजिंग का, डर के आगे जीत है। ठीक है, एक स्लोगन है उसका। दूसरा है बजाज पल्सर का विज्ञापन। बजाज पल्सर का विज्ञापन आप लोग देखेंगे यूट्यूब खोल के तो आपको मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। लैंड रोवर का विज्ञापन, लैंड रोवर के विज्ञापन में आप लोग देखेंगे तो लैंड रोवर को क्या किया जाता है, पहाड़ियों से लेकर जाया जाता है और वह वैसे ही स्मूथली चलती जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, मतलब कि कहीं भी यह गाड़ी जा सकती है और अपने आराम से जाएगी। इस तरीके से स्टंट किया जाता है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्पल केवल एजुकेशनल पर्पज़ से लिए गए हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे नोट में, तो कहा गया है कि जब कंपनियों के द्वारा मिथ्या विज्ञापन किया जाता है तो लोग उस उत्पाद के बारे में, उसे खरीदने के बारे में सोचते हैं। जब मिथ्या विज्ञापन किया जाएगा तो निश्चय ही लोग क्या करें, उसके बारे में सोचेंगे और यह बातें आपको समझनी है। हम लोगों ने आज समझा कि मिथ्या विज्ञापन यानी स्टंट एडवर्टाइजिंग क्या होता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है जो भी एडवर्टाइजिंग या फिर अन्य किसी सब्जेक्ट से है तो आप लोग जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।